हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेनल भद्रा। तो आज की जो वीडियो है वो है कोलोसियम ब्लिस टूर्नामेंट के बारे में। तो ये कुछ नया है, तो इसमें क्या होगा, किस तरह से आपको विनिंग कर सकोगे, तो ये सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं। नेम है इन्फोरेड। तो फ्रेंड यहाँ पर 6 प्लेयर आते हैं, 6 प्लेयर, कौन जीत जाए कौन नहीं पता नहीं होता। तो यहाँ पर मेरा रैंक 16 है और मैं यहाँ पर सबसे पहले ब्रेकर बना रहा हूँ। डेवलपमेंट टाइम दिया गया है, तो सबसे पहले आप ब्रेकर बनाइए, सप्लायर कंटेनर जहाँ पर भी है वहाँ से लूट करने के लिए फ्रेंड्स। तो आपको ब्रेकर बनाना है और आप पानी में जाएँ तो सप्लायर ले सकते हो, शायद वहाँ पर भी होगा, क्योंकि अगर उसमें जाओगे पानी में तो वहाँ बहुत ज़्यादा वेट लगेगा, आपका सप्लायर वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ यूनिट के दम पर आपको ये पूरा का पूरा विनिंग करना पड़ेगा यहाँ पर फ्रेंड्स। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर फास्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक सप्लायर मैंने मार रहा हूँ, सप्लायर यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आजू बाजू जहाँ पर भी, और यहाँ पर देख सकते हो मैप के अंदर में इस तरह से रेड एंड ग्रीन आया है। तो रेड का सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा आपको और ग्रीन का 3 और येलो का 2 पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ग्रीन पहले ही मार गया, देख सकते हो मैं यहाँ पर ग्रीन लेने के लिए आ गया और बाजू बाजू में भी दिख रहा है तीनों के तीनों रेड है, दोनों रेड है और एक ग्रीन है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन को कैप्चर कर लिया फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख सकते हो मैप के अंदर में वापस से लाइन में आया है। तो ये येलो है, रेड है एंड ग्रीन है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट भी दिखा रहा है और मैं यहाँ पर प्रोटीन्स बना रहा हूँ। मैंने बहुत सारी प्रोटीन पहले ही निकाल ली फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं जूस एंड हीरो लेवल 2 का एंड लेवल 1 का दोनों हीरो भी निकाला है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमर भी यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, हेवी असूल भी यहाँ पर निकाल रहा हूँ और असूल भी बहुत सारे बना रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर। और ये येलो को तो मैंने यहाँ पर सामने कमज़ोर कर दिया फ्रेंड्स। और ये वापस से यहाँ पर रेड आ गया, कहीं पर भी ग्रीन नहीं है, रेड ही है सब जगह। तो आपको इस जगह पर सिर्फ पॉइंट को कैप्चर करना है, कैप्चर करने पर आपको आपके पॉइंट बढ़ेंगे और 20 पॉइंट होने के बाद आपको विक्ट्री मिल जाएगी। लास्ट में आपको दिखाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर भी देख सकते हो मैंने रेड पर कब्जा कर लिया, यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर मेरी थोड़ी सी पीछे छूट गई, इसलिए यहाँ पर मैं हार गया, इसलिए मैं चला गया पीछे की ओर। और यहाँ पर येल्लो ने भी वहाँ अटैक कर दिया और मेरा सबसे ज़्यादा पॉइंट है, 11 पॉइंट मेरा है। और इसने आर्मोडिलो राइफल बनाया है, अच्छी बात है आर्मोडिलो बनाना। और यहाँ पर मुझे लगता है हमला भी कर सकता है। ये रेड भी आ गया, यहाँ तक रेड भी आ गया। सॉरी, ये राइफल मैन असूल है एंड हेवी असूल है, हीरो भी है। यहाँ पर मेरे को 2 पॉइंट और मिल गया, मेरा यहाँ पर ग्रीन का पॉइंट सबसे ज़्यादा हो चुका है। मेरा पॉइंट यहाँ पर लेने के चक्कर में ग्रीन का पॉइंट यहाँ पर 15 है और मेरा पॉइंट यहाँ पर सब उजवा है। और यहाँ पर येल्लो को देखो, यहाँ पर अटैक करने के लिए आया, नूप है। यहाँ पर सप्लाई सेंटर बना तोड़ रहा है, मैंने यहाँ पर दो दो बना दिया, ज़्यादा वक्त तो इसमें ही लग गया सप्लायर में, मेरा सप्लायर यहाँ पर वेस्ट हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर वापस से ग्रीन यहाँ पर कब्जा कर रहा हूँ मैं, वापस से ग्रीन आ गया। तो सबसे ज़्यादा राइफल में यहाँ पर बनाया है सबसे ज़्यादा, और जूस तो कम ही है। और उसके राइफलमैन बहुत ही ज़्यादा ही अटैक वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में 18 हो गए सबसे ज़्यादा पॉइंट।
और यहाँ पर 8 पॉइंट भी मार रहा था, अभी ये आ गया और यहाँ पर ग्रीन पॉइंट मैंने छोड़ दिया और वहाँ पर वो ग्रीन ले जाएगा। तो ये येलो पॉइंट दिख रहा है पे, तो यहाँ पर ये रेड है, ये जो रेड पॉइंट है इसलिए मुझे 1 पॉइंट ही मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन का 19 हो गया, ग्रीन का 19 पॉइंट हो गया फ्रेंड्स, और यहाँ पर मेरा 18 है और दोनों का सेम हो गया 19 19, और यहाँ पर रेड पॉइंट आया है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर रेड पे ऊपर तुरंत ही भेज दिया और कुछ यहाँ पर यूनिट भेजी ताकि ले ना सके। और यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही है, देखना है कि सबसे पहले लेता कौन है यहाँ पर दोनों में से। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो मिशन कंप्लीट, मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया फिर भी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मिशन कंप्लीट कर दिया था फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे मुझे नंबर 2 मिला और उसको नंबर 3 मिल गया, सॉरी नंबर 1 मिल गया, और मैं यहाँ पर हार गया। मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया फिर भी मैं हार गया, पर इसका ये मतलब रीज़न नहीं होता कि आप हार जाओगे तो हार जाओगे। नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 के अंदर में आप आ जाओगे ना तो आप समझ लो विक्टरी है, भले ही आपका डिफेंस हो जाए नंबर 2 और 3 और आप विक्टरी, आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे आपको, और नंबर 4 नंबर 5 एंड नंबर 6 को आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में कुछ इस तरीके से पॉइंट आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, नहीं हो तो बाय बाय एंड सी यू।